स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है। ऐसा हुआ कि मैंने एक जॉब पकड़ ली, उस चक्कर में ये मेरा यूट्यूब वगैरह या ये कहो पूरी सोशल मीडिया जहाँ पर भी मैं हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये फेसबुक, मैं सब जगह से गायब हो गई और पूरे तन मन से मैं वो जॉब करने लगी। लेकिन मेरे पास आई बहुत सारी रिक्वेस्ट, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, जो भी हैं मेरे लोग, तो भाई उन्होंने बोला कि नहीं व्लॉग्स भी डालो, जॉब भी करो और व्लॉग्स भी डालो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोशिश करके देखते हैं, सफल हो गए तो ठीक है भाई, दोनों जगह काम कर लेंगे। तो ऐसा था कि जनवरी में एक हमारे यहाँ इवेंट हुआ था, तो वो बहुत ही बढ़िया इवेंट था। मेरे मम्मी डैडी की 50वीं एनिवर्सरी थी, तो मैंने वो शूट तो कर लिया था लेकिन मैं कभी उसको एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई। तो अभी मैंने वो कर लिया है, तो उसी की मैं ना क्लिप्स आपके साथ अभी शेयर करूँगी और फिर बाद में मैं अपने जो रेगुलर व्लॉग्स रहेंगे मेरे डेली रूटीन वाले, वो डे टू डे मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और वैसे भी अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, अपनी फिटनेस पर भी हमें ध्यान देना है। मेरी भी हेल्थ आप देख रहे होंगे, मैंने लास्ट अपना देखा था तो 60 kg तक मेरा वेट हो गया था। भाई सर्दियों में तो मुझसे वजन कम नहीं होता, लेकिन हाँ अब अच्छी खासी गर्मियां हैं, अब वजन कम करने की तरफ भी हम लोग चलेंगे। लेकिन जो इवेंट अभी हुआ पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि मैं इस मेमोरी को अपने पास हमेशा रखना चाह रही थी और जब मैंने शूट कर लिया है तो क्यों ना उसे अब मैं अपलोड भी कर दूँ। तो चलिए यहाँ से आपको सीधे ले चलते हैं हम 13 जनवरी से पहले, जब मेरी सिस्टर आ गई थी मेरठ से, मेरी बीच वाली सिस्टर, तो वो आ गई थी। और उसके थोड़े टाइम के बाद मेरी मौसी और मेरी बड़ी वाली सिस्टर टोंक से, वो दोनों लोग आ गए थे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मुझे खबर मिल चुकी है कि जीजी आ गई है मेरठ से, तो मैं चलती हूँ। और यहाँ मेरे साथ है अभी केवल मेरी छोटी वाली बेटी, क्योंकि बड़ी बेटी के है 12th बोर्ड, तो उसके प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं जनवरी में। तो बस यहाँ से मैं पहुँच गई अपनी मम्मी के यहाँ और फिर वहाँ मिली मैं जीजी से। 16 जनवरी 2024 को मम्मी डैडी की जो 50वीं एनिवर्सरी है उसके लिए ये हमने बैकड्रॉप मंगाया हुआ है अमेजोन से, तो वही हम दोनों यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि है कुछ इस तरीके का। और ये शायद था उस समय 400 रुपए के आसपास का। ये आया है एनिवर्सरी का 50, हमारा अभी तक 25 बहुत पे लगा हुआ है। तो देखा तो अभी भी लगा हुआ है, अभी लगा है, सही है। मैंने क्या रचिए, अभी भी बच्चा आती नहीं है बताने का। अरे ये वो आपके केक, लड्डू छोड़ो। हाँ ये लड्डू छोड़ो। और ये देखो भाई बर्थडे गर्ल, Happy birthday! 16 जनवरी की एनिवर्सरी से पहले 13 जनवरी को है मम्मी का बर्थडे, तो वही हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ तैयारी हो रही है फिलहाल अभी पाव भाजी की, और उसके अलावा मम्मी बना रही हैं कुछ मिठाइयाँ, ये उसी के लिए खोया वोया भून रही हैं, और ये क्या नाम है गुलाब जामुन भी हमारे तैयार हैं। और यहाँ हो रही है बहुत लंबी चौड़ी गपशप। ऐसे तो फ़ोन पर बात होती ही रहती है सबसे, लेकिन वो जो होता है ना मिलके जो बातें होती है ना उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो अब शाम की तैयारी के लिए ये भानु भी आ गए हैं ऑफिस से, सीधे यहीं आ गए हैं और अब होने जा रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन। डैडी का बर्थडे 17 जनवरी को है, तो उनका केक भी हमने मम्मी के साथ ही कटवा लिया। पीछे से मम्मी के मिट्टू की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी, वो भी हम लोगों के साथ पूरा एंजॉय कर रहा है। तो
चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे के दिनों में क्या हुआ। तो यहाँ मम्मी और जीजी बना रही हैं तिल के लड्डू। भाई तिल के लड्डू सर्दियों में किसे नहीं पसंद होते हैं, भाई बहुत अच्छे लगते हैं और अपनी माँ के हाथ का तो भाई जवाब ही क्या। तो यहाँ मम्मी बना रही हैं डिब्बे भर भर के हम सब लोगों के लिए लड्डू। अभी बाकी लोग नहीं आए हैं, मौसी और दीदी अभी रह गए हैं, तो बस यही तैयारियाँ यहाँ हो रही हैं। और ये संक्रांत का भी टाइम है तो भाई तिल के लड्डू बनना तो लाजमी ही है। और सर्दियाँ बहुत हैं, फिर हम लोग आ गए थे ऊपर छत पे धूप खाने। और इस बार तो ये है कि सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि डीएम ने भी ऑर्डर कर रखे थे, तो मतलब बच्चों की भी मेरे को कोई स्कूल की इस समय टेंशन नहीं थी। मैं आराम से बैग भर के कपड़े लेकर के यहाँ आ गई हूँ एक हफ्ते के लिए। वैसे तो संक्रांत पे हर जगह ही खूब पतंगे उड़ती हैं, यहाँ जो मेरी मम्मी का इलाका है यहाँ पर तो भाई लोग भर भर के, यहाँ पर मतलब फिर धर्म वाली बात ही नहीं आती, हिंदू मुसलमान सारे लोग मिल करके भाई पतंगबाजी करते हैं और पूरे आसमान में पूरी है ना पतंगे वगैरह भरी हुई हैं। हालांकि इसमें इतना नहीं आ रहा होगा लेकिन बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। तो इस पल को यादगार बनाने के लिए हम लोग फिर तैयार हो गए हैं, अपनी सेटिंग कर रहे हैं और फिर हमने किया फोटो सेशन। और अब ये देखिए मेरी दीदी आ गई हैं, बड़ी वाली सिस्टर। इनके साथ भी बस एक ही बेटी आई है इनकी, बड़ी वाली बेटी वो नहीं आई है जो किन्हीं ज़रूरी कारणों से। तो यहाँ दीदी हैं और परू हैं। वैसे बच्चे तो मेरठ वाली सिस्टर के भी नहीं आ पाए हैं क्योंकि बच्चे जब कॉलेज में आ जाते हैं तो उनके सेमेस्टर वगैरह के एग्ज़ाम इसी टाइम कुछ रहते हैं, तो बेचारे वो नहीं आ पाए हैं, वो उनको हमने बहुत ज़्यादा मिस किया। Thank you. वैसे अपनी माँ के घर मौके पे पहुँचो या बिना मौके के, हमेशा ही सेलिब्रेशन जैसा लगता है। रोज कुछ ना कुछ नया खाना, मज़ेदार चटपटा। और यहाँ देखिए ये मिठाइयों का दौर चल रहा है, ये वो मिठाई है जो खास तौर से सर्दियों में ही आती है, ये तरबूज वाली। और ये थी क्या नाम है वाइट वाले जो दिख रहे हैं, ये वाइट वाले, ये मीठे समोसे, ये भी बहुत अच्छी लगती है। और अब यहाँ एनिवर्सरी की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ही लोग मेहंदी लगा रहे हैं, मोबाइल में से डिज़ाइन देख देख के अपने दोनों हाथ हम लोगों ने भर लिए हैं। और अब ये देखिए हमारा मिट्ठू, मम्मी के मिट्ठू को मुझसे बहुत ज़्यादा वाला लगाव है। एक्चुअली जब वो बहुत छोटा सा आया था ना तो उसको मैं अपने घर ले आई थी और वो मेरी आवाज़ ही सुनता था और उसको ही रिपीट करता था। आज भी वो सारी बातें, वही सारी बातें वो बोलता है जो उसको मैंने बचपन में सिखाई थी। तो मैं जैसे ही जाती हूँ ना तो बिल्कुल ही मेरे से फ्रैंक हो जाता है और मैं उसको जैसे चाहे वैसा कर लेती हूँ। फिलहाल तो वो अभी मेरे हाथ पे बैठ के अपने करतब कर रहा है। और अब ये मेहंदी से भरे हाथ हैं हमारी दुल्हन के, जिन्हें लगाया है मेरी बेटी ने और परू ने, ये देखिए। वैसे मम्मी को मेहंदी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसमें बिल्कुल स्टिल बैठे रहना पड़ता है और हाथ ऐसे फैलाए। पहले बचपन में जब हम लोग मम्मी के मेहंदी लगाते थे ना तो मम्मी तो बस कहती थी जब मैं सो जाऊँ ना बस तभी लगाना। तो आज हम वही इस बात की चर्चा कर रहे थे। और ये देखिए हमारा मिट्ठू खाना खा रहा है और बातें बना रहा है। तो चलिए इस व्लॉग का एंड हम यही करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मम्मी डैडी की एनिवर्सरी हमने किस तरह से मनाई। और उस व्लॉग में आपको मेरी मौसी भी देखने को मिलेंगी और वो क्या कारण थे कि हम मम्मी डैडी की एनिवर्सरी इतने ज़ोर शोर से नहीं मना सके। हम सबका बहुत मन था, वही 50वीं एनिवर्सरी की तो खैर बात ही अलग होती है। तो इन सब की चर्चा होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो कुछ चुनिंदा तस्वीरों के साथ इस व्लॉग का एंड होता है। आशा करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलूंगे आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।